अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज़ इंजीनियर अहमद मक्की। इफ़ दिस इज़ द फर्स्ट टाइम यू आर विजिटिंग माय चैनल, प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन एज वेल एज रिंग द बेल आइकन। तो स्टूडेंट्स, आज का जो बेसिकली हमारा लेक्चर है वो है आउटपुट डिवाइसेस। हमने 3 दिन लगाकर इनपुट डिवाइसेस ख़त्म की, जो कि बहुत ज़्यादा इनपुट डिवाइसेस थी। हमने उसके अंदर स्कैनिंग डिवाइसेस भी की और आखिर में हमने कल ऑडियो और इनपुट डिवाइसेस की हैं, कीबोर्ड माउस वगैरह सारी की सारी छोटी मोटी हमने डिवाइसेस देखकर इनपुट डिवाइसेस को कल ख़त्म किया। आज हमारे पास बेसिकली आउटपुट डिवाइस है। आउटपुट डिवाइसेस बेसिकली क्या होती हैं कि इनके अंदर हमारे पास जो हमें चीज़ें आउटपुट पे मिलती हैं, फॉर एग्जांपल हम कल हमने ऑडियो इनपुट डिवाइसेस को क्या एज अ इनपुट लिया, अब अगर हम उसको सुनने के लिए जो यूज़ करेंगे वो क्या होगी, आउटपुट। अब आउटपुट डिवाइसेस में अगर बात की जाए, सबसे पहले हमारे पास दो किस्म की आउटपुट होती हैं। एक होती है सॉफ्ट कॉपी आउटपुट एंड हार्ड कॉपी आउटपुट। हार्ड कॉपी आउटपुट, अब सॉफ्ट कॉपी आउटपुट क्या चीज़ होती है और हार्ड कॉपी आउटपुट क्या चीज़ होती है? जो डाटा होता है वो सॉफ्ट कॉपी होती है, जो हार्ड कॉपी जो प्रिंट। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ पिक्चर की या साउंड की, आपको जो आउटपुट पे साउंड अगर कोई कहाँ यानी कि कोई बटन वगैरह गलत हो जाता है तो सीपीयू से क्या होती है या कंप्यूटर क्या करता है, एक साउंड प्रोड्यूस करता है। अब वो हमारे पास बेसिकली क्या है, आउटपुट है। ये स्पीकर से जो हमारे पास चीज़ मिल रही है वो आउटपुट है। अब जो आवाज़ वहाँ से आ रही होती है, कैन यू टच इट, टच कर सकते हो? नहीं कर सकते ना, क्योंकि वो एक सॉफ्ट है, सॉफ्ट कॉपी डिवाइस है। सॉफ्ट कॉपी डिवाइस का क्या मतलब है, वी कैन नॉट टच इट। अगर हम बात की जाए हार्ड कॉपी डिवाइसेस की, हार्ड कॉपी डिवाइसेस क्या होती हैं? फॉर एग्जांपल हमारे पास एक पेपर है, एक पेन है, सॉरी पेपर की बात करें, अगर उसको प्रिंटर से प्रिंट करके निकाला जाए, जो आपके पास हार्ड में चीज होती है उसको आप टच कर सकते हो, वो हमारे पास क्या होगी, हार्ड कॉपी आउटपुट होगी। बिल्कुल ऐसी ही है, हार्डवेयर की भी जैसे यही होती है डेफिनेशन, वो होते सॉफ्ट कॉपी में। डाटा हमारे पास सॉफ्ट कॉपी में है, लेकिन हार्ड क्या हमारे पास वो जो डाटा है वो आउटपुट है? आउटपुट है। डाटा जो हमारे पास है कंप्यूटर के अंदर प्रोसेस में पड़ा हुआ है, क्या प्रोसेस करने के बाद जो आती है वो अब बाद में हम पे डिपेंड करता है कि अगर हम उसको सुनना चाहें तो वो आउटपुट डिवाइस क्या बन जाएगा, सॉफ्ट कॉपी। अगर हमारे पास कोई डाटा एज अ रिटन फॉर्म में है, हम उसको प्रिंट करना चाह रहे हैं, तो वो हमारे पास प्रिंट में आ जाएगा। हार्ड डिपेंड करता है, हम पे ही डिपेंड करते हैं कि हम क्या करना चाहते हैं। हार्ड कॉपी के बाद सॉफ्ट कॉपी के बाद उसने बेसिकली यही डेफिनेशन दी, साइज वीडियो, सॉफ्ट कॉपी में यही चीज़ें होगी और हार्ड कॉपी में प्रिंटर्स वगैरह और प्रिंटर्स वगैरह ये हमारे पास यूज है। और प्रिंटर और प्रिंटर जो बेसिकली एक लॉन्ग क्वेश्चन है वो हम इंशाल्लाह कल देखेंगे, वो डिटेल से हम कल पढ़ेंगे। अगर हम बात करें आज तो हम देखते हैं डिस्प्ले स्क्रीन। सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी की समझ आ गई आपको, क्या चीज़ होती है? सॉफ्ट कॉपी में हमारे पास क्या था, ऑडियो, ऑडियो वीडियो वॉइस, सॉरी वॉइस। अब ये हमारे पास क्या है, सॉफ्ट कॉपी में, हार्ड कॉपी में हमारे पास क्या चीज़ थी, प्रिंटर्स आ गए, स्पीकर्स आ गए, ठीक है, प्रिंटर्स वगैरह प्रिंटर्स वगैरह जिनके अंदर हम क्या करते हैं, हमारे पास प्रिंट होके हार्ड फॉर्म में कोई चीज़ आ जाती है, ठीक है, जिसको हम टच कर सकते हैं। टच उसकी बात नहीं कर रहे हैं, आउटपुट डिवाइसेज को हम, आउटपुट जो हमें मिल रही है जो अगर हम उनको टच कर सकते हैं, आवाज़ जो है स्पीकर, स्पीकर जो है वो क्या है, हम टच कर सकते हैं। स्पीकर की बात नहीं हो रही है यहाँ, आउटपुट की बात हो रही है, जो हमें आउटपुट मिल रही है, कैन यू टच इट, नहीं। जो हमारे पास हार्ड कॉपी में प्रिंटर्स के बाद जो हमारे पास आ रही है, क्या आप उसको टच कर सकते हो? नहीं। लेकिन अगर बात की जाए, जैसे आप हार्ड उसकी बात की जाए स्पीकर की, उसको टच कर सकते हैं, कर सकते हैं, प्रिंटर को टच कर सकते हैं, कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट चीज़ की, जो कि हमारे पास क्या है, साइज है, डिस्प्ले स्क्रीन। डिस्प्ले, अब हमारे पास सेकंड है डिस्प्ले स्क्रीन, जो हमारे पास मेन टॉपिक है, जिससे हम कहते हैं डेस्कटॉप भी कहते हैं, जिसे हम डेस्कटॉप, डेस्कटॉप डिपेंड्स, डेस्कटॉप कहते हैं हर बात को जो आप कहते हो उसको डिपेंड करता है आप किस चीज़ को कह रहे हो। डेस्कटॉप आपके पास उसको भी कह सकते हो, जो आप मॉनिटर है आपको नहीं पता, आप उसके अंदर भी हो सकती है, बिल्कुल कुछ भी हो सकता है, मॉनिटर भी हो सकता है, या आप उसके अंदर जो चीज़ है उसके बारे में बात कर रहे हो, डिपेंड्स ऑन यू। अब हमारे पास आती है डिस्प्ले स्क्रीन। अब डिस्प्ले स्क्रीन में क्या क्या चीज़ें आती हैं, आपकी बुक के अंदर जो जो चीज़ें दी गई हैं, CRTs, मॉनिटर, CRTs क्या चीज़ होती है, ये चीज़ें दी गई हैं, CRTs, मॉनिटर्स, मैं सिर्फ ये दो लफ्ज़ यूज़ करता हूँ। CRTs क्या है, कैथोड रे टेलीस्कोप, बिल्कुल यही है हमारे पास। अब ये क्या है हमारे पास, अब ये हमारे पास जो बेसिकली है कैथोड रे ट्यूब्स कहते हैं, बेसिकली आई थिंक डिस्प्ले स्क्रीन कैथोड रे ट्यूब कहते हैं इंग्लिश,
हाँ कैथोड रे टेलीस्कोप नहीं कहते, कैथोड रे ट्यूब कहते हैं इसको, जो ठीक है कैथोड रे ट्यूब्स। आपके पास पुराने टीवी होते थे शायद, कभी आपने बड़े बड़े वो कभी नहीं चले होते तो पीछे से धक्का स्टार्ट कर देते थे, याद है? हाँ बिल्कुल वही, या फिर उसके ऊपर तौलिया रख देते थे या ऐसा कुछ चक्कर। ये वो जो हमारे पास होते थे पीछे से वो इतने बड़े होते थे, वो जो हमारे पास होते थे मॉनिटर्स होते थे या कंप्यूटर्स होते थे, कंप्यूटर भी देखे होंगे आपने कितने आज कल भी होते हैं अक्सरों का, वो हमारे पास सीआरटीज होते हैं। जी क्वेश्चन पूछो। लेकिन सही तो आने वाला है, अब वो देखो ना हमारे पास क्या होती है अक्सर औकात को, जो इलेक्ट्रॉन बीम्स होती है ना वो हमारे पास क्या होती थी पिछले सीआरटीज के अंदर, वो डिस्टर्ब हो जाती थी, फिर हम क्या करते थे वो अक्सर औकात को जो पीछे से हमारे पास बॉक्स लगा होता है ना उसके अंदर ये फिट हुई होती थी, वो अक्सर औकात क्या होती थी वाइब्रेट कर जाती थी अक्सर औकात, देखो उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड भी होती है। अब मैग्नेटिक फील्ड क्या, आप मोबाइल लेके जाते थे उनकी स्क्रीन क्या होती थी डिस्टॉर्ट होती थी, यस मोबाइल जो आप लेके जाते थे क्योंकि कैथोड या ट्यूब्स होती हैं उनके अंदर मैग्नेटिक फील्ड भी होती है इलेक्ट्रिक फील्ड भी होती है, आप जब मोबाइल को लेके जाते थे वो डिस्टर्ब हो जाती थी मैग्नेटिक फील्ड, उसकी स्क्रीन अक्सर औकात हो जाती थी, ऊपर ऐसे ऐसे हल्का सा हाथ लगे तो हाँ बिल्कुल ऐसे होता था, वो आपको फील होता था मैग्नेटिक फील्ड होती हैं। अब सीआरटीज यूज नहीं होती, नहीं अब नहीं है रे ट्यूब्स, अब एलसीडी यूज हो रही है, हां एलसीडी मॉनिटर की भी एक्स्ट्रा अभी वो पढ़ेंगे हम, अभी जस्ट मैंने मॉनिटर और सीआरटीज देखा है। अब वो मॉनिटर से जो आगे एक्सटेंडेड फॉर्म है वो क्या क्या चीजें अभी हम करते हैं, अभी वो आगे जाके यूज होंगे। अभी हम मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे, अब हमें बात की जाए साइज की, अब हमारे पास डिफरेंट साइज की हमारे पास एलसीडीज होती हैं, आरसीडीज होती हैं, आरसीडीज तो आजकल वैसे नहीं यूज हो रही, अब हम हाँ एलसीडीज आ गई हैं। अब जो हमारे पास आरसीडीज हैं, आरसीडीज की बात की जाए तो आपको समझ आ गई है मॉनिटर्स आ गए हैं, अब उसके हमारे पास साइज जो होते हैं डिफरेंट साइजेज होते हैं एक्स्ट्रा लार्ज होते हैं मीडियम, हाँ ये डिफरेंट साइजेज हैं, इसमें ये बताया हुआ है। नेक्स्ट जो चीज़ बताई गई वो थोड़ी इंपॉर्टेंट है, कलर, कलर आर्ट, सबसे पहले हमारे पास साइज था, सेकंड हमारे पास था कलर, ठीक है। कलर में हमारे पास क्या है आरजीबी यूज होते हैं, आरजीबी रेड ग्रीन ब्लू। अब ये जो तीन कलर्स है ना हमारे पास, इन तीन के कॉम्बिनेशन से हमारे पास 256 कलर्स बनते हैं आरजीबी। ये जो हमारे पास आपने कभी अगर ग्राफिक डिजाइनिंग की हो या इलस्ट्रेटर यूज किया हो या आपने यूज किया हो तो उनके अंदर आरजीबी कलर यूज होते हैं, यानी कि हमारे पास ये तीन कलर्स को मिक्स करके हम कितने कलर्स बनाते हैं 256 कलर्स, ठीक है। अब ये हमारे पास 256 जो कलर्स होते हैं इनको यूज करके हम क्या करते हैं डिफरेंट डिफरेंट कलर्स बनाते हैं। अगर हम बात करें रेजोल्यूशन की, अगर रेजोल्यूशन की बात की जाए तो वो स्क्रीन की पिक्सल्स की बात करते हैं। आपके पास अगर ये व्हाइट बोर्ड है ना, बल्कि मैं आपको एक पिक्चर बता दूँ, ये हमारे पास एक पिक्चर है, नजर आ रही है पिक्चर आ रही है। अब ये हमारे पास पिक्चर है ना, ये देखो ये पिक्चर जो होगी बैकग्राउंड में हमें नहीं नजर आ रही होगी, नहीं आ रही, उसके पीछे एक किस्म की डिजाइन होती हैं आपकी जो पिक्चर होती है ना। अब जितने ज़्यादा अच्छी क्वालिटी के पिक्सल्स होंगे उतने ज़्यादा इसके अंदर क्या होंगे बॉक्सेस होंगे, ठीक है। ये देखो जितनी ज़्यादा पिक्सल्स, आप ऐसे करो कि अगर आपके पास 2 मेगापिक्सल के पुराना मोबाइल का कैमरा है, आप क्या करते हो जूम करते हो, थोड़ा सा जूम होता है फट जाती है तस्वीर। जो अच्छे कैमराज होते हैं जो आजकल के मॉडर्न कैमराज आए हैं उनका क्या होता है आप जूम कर सकते हो कि आपके पीछे बंदा जो बैठा हुआ क्या कर रहा है, ऐसे ही है आपके ऐसे जूम करते करते आपकी आँख तक में देख सकते हैं। अगर DSLR से बात की जाए उसके पिक्सल्स कितने अच्छे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं, ये हमारे पास अगर पिक्सल बढ़ाते जाए 2 मेगापिक्सल कहते हो 3 मेगापिक्सल 8 मेगापिक्सल 12 मेगापिक्सल 48 मेगापिक्सल DSLR से भी ज़्यादा होते हैं। अब ये जो हमारे पास देखो पिक्सल्स क्या होंगे बढ़ते जाएंगे छोटे से छोटे पिक्चर के अंदर, यानी कि उसको डिवाइड कर देंगे और जितनी यानी कि हर बॉक्स के अंदर थोड़ा सा ऐसा पोर्शन डिवाइड होगा, जितने ज़्यादा बॉक्सेज होंगे उतने ज़्यादा क्या होंगे अच्छी क्वालिटी होगी आपकी पिक्चर है। अगर वो एक पिक्चर जो है मैं इसकी बात करूँगी 4 डब्बों में है, अगर ये वाली पिक्चर अच्छी होगी मतलब ज़्यादा जूम होगी कि ये वाली पिक्चर ज़्यादा जूम होगी, ये वाली ज़्यादा जूम होगी, बढ़ाते जाओ यहाँ से पिक्सल बढ़ाते जाओ और अच्छी होती जाएगी क्वालिटी और अच्छी होती जाएगी, बेसिकली यही पिक्सल है जब यही हमारे पास रेजोल्यूशन होती है टी वी के अंदर। होपफुली आपको रेजोल्यूशन की समझ आ गई है, देन अब चलते हैं हम वीडियो डिस्प्ले रेजोल्यूशन की आ गई है समझ में, किसी को कोई क्वेश्चन बनी है? नो सर। यानी कि जितने अच्छे पिक्सल्स होंगे इन शॉर्ट उतनी ज़्यादा हमारे पास रेजोल्यूशन अच्छी होगी, और यही होता है अक्सर का वीडियोज़ के अंदर भी, आप जब यूट्यूब पे वीडियो देख रहे होते हो आप रेजोल्यूशन सेलेक्ट करते हो 144p यूज़ करनी है 360p
टीवी यूज करनी है 480p 720 या 1080, अब तो 4K भी आई है, 2K 4K 68। हाँ अब हम करते हैं, लेकिन वो डिस्प्ले सपोर्ट होनी चाहिए। अब अगर बात करें हम वीडियो डिस्प्ले अडेप्टर्स की, अभी जो वीडियो डिस्प्ले अडेप्टर्स हैं हमारे पास, वीडियो डिस्प्ले अडेप्टर्स, बेसिकली जो आपके आजकल के लेक्चर चल रहे हैं ना, उनके अंदर कोई चीज़ समझाने वाली नहीं है, थ्योरी है, यानी कि मैं आपको समझा सकता हूँ, बाकी आपकी डेफिनेशन में लिखी हुई है। अब वीडियो डिस्प्ले अडेप्टर्स, वीडियो देखो, ये आपके पास मोबाइल है, ये मैं यानी कि ये मॉनिटर है, यहाँ से यहाँ तक कुछ कनेक्ट करना पड़ेगा, और वो बीजीए केबल्स का पता होगा आपने, बीजीए केबल्स का कंप्यूटर यूज़ करते हो तो वो पिन होती है उनके अंदर में काफ़ी ज़्यादा, वो ब्लू कलर की होती है, वो इधर लगाते हो और देन आप क्या करते हो इधर लगाते हो, दोनों के दरमियान कनेक्शन हो जाता है और आप यूज़ कर सकते हो। अब बीजीए जो बोर्ड होता है आपके पास, बीजीए हमारे पास ये नज़र आ रहा है, बीजीए यहाँ लिखा हुआ नज़र आ रहा है, ये बीजीए जो है हमारे पास, ये तकरीबन 16 कलर से लेकर 256 कलर्स तक दिखा सकते हैं आपको, 16 से 256 कलर्स तक आप बीजीए केबल्स के जरिए देख सकते हो। इसी वजह से जो मॉडर्न बीजीए केबल अक्सर उपरात अगर पिन हिल जाए इसकी, देख रहे हो गए आपके कलर चेंज हो जाते हैं उसके, कभी कंप्यूटर में देखा हुआ है आपके साथ ऐसा, तो आप क्या करते हो पीछे से पेज टाइट कर देते हो बीजीए का, वो बिल्कुल सेट हो जाती है। अब बिल्कुल इसी तरह होता है क्योंकि वो डिस्प्ले के अंदर क्या होती है, थोड़ी सी डिस्टर्ब हो जाती है। बीजीए के अंदर बेसिकली हमारे पास जो पिक्सल्स होते हैं उसके अंदर 256 कलर तो यूज़ होते हैं, लेकिन 4-bit कलर यूज होते हैं। बिट्स का आपको पता है क्या चीज़ होती है, अभी बिट्स जो है बेसिकली क्या होती है, अगर आप में से कुछ को कंसेप्ट नहीं है तो इससे अगला टॉपिक जो है हमारे पास बिट्स का है, ठीक है। अब बात करें हमारे पास पिक्सल्स की, तो इसकी 320 से 200 के करीब पिक्सल होती है। ये तीन चीज़ें बेसिकली आपकी बुक ने बताई हैं, 200 से 300 पिक्स आई थी, 320 से 200 है। ये बेसिकली छोटे से पिक्सल्स हैं, ये हमारे पास छोटे छोटे से पिक्सल्स हैं जो कि 16 कलर्स के अंदर यूज़ होती हैं, और मैक्सिमम जो है 640 से 480 480 तक होती है। ये चीज़ नज़र नहीं आ रही है, चलो ठीक है, ये मैं बता देता हूँ, ये बस मैंने लिख दिया है, लेकिन मैंने बताया बस 4-bit कलर्स यूज़ होते हैं। देन अगर बात कीजिए SVGA की, SVGA की बात करें तो SVGA हमारे पास सुपर वीडियो ग्राफिक्स कहते हैं इसको, SVGA सुपर वीडियो ग्राफिक्स, इसके अंदर हमारे पास 256 कलर्स और एट हायर रेजोल्यूशन होते हैं, इसमें भी 256 कलर्स ही हैं, लेकिन क्या होते हैं हायर रेजोल्यूशन, इनकी रेजोल्यूशन क्या होती है थोड़ी हाई होती है, आपकी बुक में लिखा हुआ 800 से 650 लिखा होता है हमारे पास पिक्सल होते हैं। अगर बात कीजिए XGA की, एक्सटेंडेड ग्राफिक्स एरे, ठीक है, एक्सटेंडेड ग्राफिक्स एरे, इसके अंदर आप 16.7 मिलियन कलर्स यूज़ कर सकते हो, एक्सटेंडेड वीडियो ग्राफिक्स एरेज। अब ये जो हमारे पास है कितने 16.7 मिलियन कलर्स यूज़ कर सकते हो, और बाकी इसकी रेजोल्यूशन भी लिखी हुई है 1028, ये आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये याद करना, ये जो आपके बुक में लिखी हुई है। देन हमारे पास आती है टाइप्स ऑफ स्क्रीन। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ स्क्रीन। अब पहला जो हमारे पास है टाइप्स ऑफ स्क्रीन के अंदर CRTs हैं। अब CRTs हमने पहले भी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैंने आपको दिया था कि CRTs क्या होते हैं, कैथोड रे ट्यूब्स बेसिकली इनको कहा जाता है। अब ये क्या होता है हमारे पास, मैं अगर आपको डायग्राम बना के समझाऊं, या आपकी बुक के अंदर डायग्राम बनाता हूँ मैं, जैसे आपकी बुक के अंदर बनी हुई है, ये सबसे पहले आपके पास एक इलेक्ट्रॉन गन लगी होती है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन गन के बाद आपके पास एक ये हमारे पास डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स होती हैं, रिफ्लेक्शन सिस्टम, और देन आपके पास ये एक स्क्रीन होती है, ठीक है। ये बेसिकली मैंने सारी डायग्राम नहीं बनाई, बाकी जस्ट मैंने आपको ये हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रॉन गन है, ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन गन आ गई, CRO ही है, ये कैथोड रे ट्यूब, कैथोड रे सोर्स वही है हमारे पास ट्यूब, ये CRO ही है बेसिकली, ये बेसिकली हमारे पास एक्सेलरेटिंग फ्लोरोसेंट स्क्रीन आ गई हमारे पास, ये एक्सेलरेटिंग इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे हमारे पास, जहाँ आप रोटेट करना चाहो, इधर लेके जाना चाहो, उधर लेके जाना चाहो, उधर लेके जाना चाहो, ठीक है। ये बेसिकली मैंने मेन मेन पार्ट्स लिखे हैं, यहाँ बताने का मकसद ये नहीं है एक्सेलरेट ये कैथोड रे ट्यूब कैथोड रे उससे उसको पढ़ाने का मकसद ये नहीं है। अब यहाँ क्या होता है बेसिकली बीम्स यूज होती हैं, इलेक्ट्रॉन्स यूज होती थे, जिनकी वजह से हमारे पास जहाँ जहाँ इमेज बनानी होती थी वहाँ वहाँ क्या होती थी इलेक्ट्रॉन्स को लाइट कर देते थे और हमारे पास इमेज बन जाती है। ये हमारे पास बेसिकली कैथोड रे है,
किस डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट करना है, ये हमारे पास फ्लोरोसेंट स्क्रीन है, ठीक है। ये आपने डिटेल से पढ़ा हुआ है, क्योंकि मैंने फिर भी बता दिया आपको कि क्या क्या काम करते हैं। यहाँ से हमारे पास इलेक्ट्रॉन आएंगे, देन डिफ्लेक्ट आएंगे, अच्छा ये हमारे पास क्या होगी, डिफ्लेक्ट हो जाएगी और उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगी स्क्रीन के ऊपर। अब हमारे अगर नेक्स्ट बात की जाए फ्लैट पैनल या डिस्प्लेस की, क्या सी आर डी के बाद हमारे पास आते हैं फ्लैट पैनल और डिस्प्लेस की। अब जो हमारे पास फ्लैट पैनल होते हैं वो एल सी डीज होती हैं, एल सी डीज जहाँ हमारे पास क्या यूज़ हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स यूज़ हो रहे हैं, ऐसे ही है हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स यूज़ हो रहे हैं। लेकिन जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स यूज़ हो रहे हैं, लेकिन जो एल सी डीज हैं ना उनके पास, अरे एल सी डीज के अंदर क्या होगा, हमारे पास एल सी डीज के अंदर आपके पास एक नई चीज़ यूज होगी जो कि है लिक्विड क्रिस्टल्स। पढ़े आपने लिक्विड क्रिस्टल्स क्या चीज़ होते हैं केमिस्ट्री में, आप फर्स्ट ईयर के अंदर चैप्टर नंबर थ्री में पढ़ोगे केमिस्ट्री, तो आप पढ़ोगे नहीं केमिस्ट्री के अंदर, आप लोग पढ़ोगे नहीं, उन लोगों ने पढ़ने थे लिक्विड क्रिस्टल्स और वो पढ़ेंगे। लिक्विड क्रिस्टल का बेसिकली पूरा टॉपिक है, लिक्विड क्रिस्टल्स बेसिकली ये होते हैं कि उनकी जो लाइनिंग अप होती है ना वो थोड़ी क्या होती है, स्ट्रेट लाइनिंग होती है उनकी। अब स्ट्रेट लाइनिंग क्या होती है, जब स्ट्रेट लाइनिंग है तो उसके पीछे से हमारे पास डिस्टेंस जो इमेज आती है कि हमारी, अगर मैं आप लिक्विड क्रिस्टल सर्च करना, लिक्विड क्रिस्टल्स क्या करते हैं, पीछे से आपके पास जो लाइट आ रही होती है ना उसको ब्लॉक कर देते हैं, वो उनकी मदद से हमारे पास डिस्प्ले क्या आ रही होती है, इतनी अच्छी आ रही होती है। आपने देखी होगी, आपकी एलसीडी की डिस्प्ले देखी है, अब तो एलईडीज आ गई हैं, वो एलईडी स्क्रीन पे आ गई हैं। अब एलसीडीज के अंदर क्या होता था हमारे पास, उसके अंदर लिक्विड क्रिस्टल्स यूज होते थे, और उसको हम ये भी कहते हैं एलसीडी क्या होता है बेसिकली, एलसीडी आप क्यों कहते हो उसको, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, एलसीडी लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। अब यहाँ जो है हमारे पास उसकी वजह से, देन हमारे पास इलेक्ट्रॉन ल्यूमिनेसेंट डिस्प्ले। अब ये क्या होता है, ये क्यों यूज होती है, अब आपकी स्क्रीन देखो, अगर आपके पास सीआरटी पड़ी हो और एक एलसीडी पड़ी हो, ज़्यादा ग्लोइंग और अट्रैक्टिव डिवाइस जो आपकी स्क्रीन होगी कौन सी होगी, एलईडी होगी, क्योंकि उसके अंदर क्या होगा, ग्लोइंग मटेरियल डाला होता है। देखो उन्होंने लिखा हुआ भी है इलेक्ट्रॉन ल्यूमिनेसेंट, ये इलेक्ट्रिक करंट जब उसके ऊपर पड़ता है वो ग्लो करती है स्क्रीन, ओके हो गया। देन हमारे पास गैस प्लाज्मा डिस्प्ले, यानी कि नियॉन बल्ब यूज लगे होते हैं ताकि उसके अंदर जो हमारे पास डिस्प्ले है वो और अच्छी हो जाए। बेसिकली ये हमारे पास सी आर टी थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, उसके अंदर बेसिकली तीन चीज़ें आई हैं, एक एल सी डी है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, देन इलेक्ट्रिक ल्यूमिनेसेंट बताया, और थर्ड पे हमने बताया प्लाज्मा डिस्प्ले। तो ये बेसिकली हमारा आज का टॉपिक था, हमने आज आउटपुट डिवाइसेस कवर कर लिए हैं, क्या हाफ कवर कर लिए इंशाल्लाह, बाकी प्रिंटर जो प्रॉब्लम कल देखेंगे। In the end, if you want me to ask something about this tutorial, you can ask me in the comment section. And hey, don't forget to subscribe my channel as well as ring the bell icon. Allah Hafiz.